अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़, जिसमें हमारा एक पॉइंट है राय दहिंदगान की फहरिस्त, वोटर लिस्ट तैयार करना। राय दहिंदगान यानी वोट देने वाला, कि वोट देने वाला किस तरह से अपना वोट देता है। सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि हर 18 साल की मुकम्मल करने वाले हर भारतीय शहरी को वोट देने का हक हासिल है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है या फिर उसकी उम्र 16 साल है या 17 साल है, तब तक आप वोट नहीं दे सकते, लेकिन जैसे ही आपकी 18 साल मुकम्मल हो जाती है तो आप अपने वोट दे सकते हैं। वोटर लिस्ट तैयार करना, यानी वोटर लिस्ट में हम देखेंगे कि हमारा नाम किस तरह से है, जिस तरह से हमारा नाम और एड्रेस सही तरह से उसमें है या नहीं है, हमारी जन्म तारीख बराबर है या नहीं है, ये चीज़ें वोटर लिस्ट के अंदर आती है। उसी के साथ साथ में हम देखेंगे जदीद तकाज़ों को हम आहंग करने, यानी इंटरनेट कंप्यूटर के ज़रिए हम किस तरह से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मालूमात हासिल कर सकते हैं, और हम मालूमात हासिल कर दूसरों को भी जो है इसकी मालूमात दे सकते हैं। नए दहिंदगान के नाम शामिल करने का काम भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है, कि वो किस तरह से जो है इलेक्शन के अंदर अपने नाम को लेते हैं। ये सारे कामकाज जो है इलेक्शन कमीशन अपने काम को अंजाम देती है। उसी के साथ साथ के अंदर कितने मरहलों में, कितने हलकों में वोट होना है और नहीं होना है, ये सारे काम को भी जो है इलेक्शन कमीशन ही अपने काम को चलाती है। और उसी के साथ में हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन अपने काम को बखूबी अंजाम देती है। जैसा कि हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अपने काम को अंजाम देने के लिए सबसे पहले बसेस अरेंज करनी होती है, असातज़ा इकराम को अरेंज करना होता है, पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह को जो अरेंज करना होता है, ये सबकी मदद से जो है इलेक्शन कमीशन के काम को अंजाम दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक तनाज़ात को हल करना, यानी इलेक्शन कमीशन के मुतालिक से कोई भी तनाज़ा पैदा हो जाए तो उसको हल करना, इंतखाबी तरीके से हल करना, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। या कोई उम्मीदवार है जो अपने काम पर जो है ना अहल हो रहा है, अपने काम को जो अंजाम नहीं दे रहा है, तो इन सारे कामकाज को भी जो अंजाम देना इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी होती है। इलेक्शन कमीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि उसमें हमारे फॉर्म को अंदराज करा सकते हैं, और फॉर्म को कबूल करने की जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन की हो।